नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का क्लास जो है 56 यानी दोस्तों 56वें दिन का क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सेंटेंस फॉर्मेट दिया जाएगा। उस सेंटेंस फॉर्मेट को पकड़ के आप तरह तरह से जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। आपका सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप इंग्लिश सीखते हैं तो सिर्फ एक ही सेंटेंस को आपको बताया जाता है कि इस सेंटेंस को, हिंदी के इस वाक्य को इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपका दायरा सिर्फ सिमट के रह जाता है। आपका दायरा बहुत अधिक है, आप कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह से बोल सकते हैं या इस तरह से बोलने के लिए सीख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है परिश्रम करना होगा, अपना दायरा बढ़ाना होगा, सोचने का दायरा बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप अधिक सोचिएगा तो अधिक से अधिक दोस्तों इंग्लिश बोल पाइएगा, लिख पाइएगा। दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। आने वाली इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए साथ साथ लाइक का बटन दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के बाद कि आप इंग्लिश जो है बोल पाते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक मेरे पिछले वीडियो को, आप प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो YouTube पर ओमनीसेंट इंग्लिश को टाइप कीजिए और सारे वीडियो को देख लीजिए, या नीचे टाइटल के बगल में इस बॉक्स को खोलिए, आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप वीडियो को ओमनीसेंट इंग्लिश के नाम से है उसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहते हैं और हमारे वीडियो के साथ 3 से 6 महीने, ठीक है, 3 से 6 महीने के वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आपको जो है बहुत ही शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बोलने के लिए, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो लिखने आएगा और अगर अधिक बोलते हैं तो बोलने आएगा, वो भी दोस्तों बिल्कुल ही इजी स्टेप में, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर का उपयोग बहुत ही कम किया जाएगा या कहे कि ना किया जाएगा, क्योंकि आपको रूल्स रेगुलेशन याद कराने का यहाँ पर कोई भी मेरा इरादा नहीं है। सब चीज़ जो है सेंटेंस फॉर्मेट में फिक्स किया गया है, तो देखेंगे कैसे क्या है। देखिए दोस्तों, पिछले सेंटेंस फॉर्मेट पर मैंने बात किया था, इसमें आई वॉज टू, आई वॉज माई सेल्फ, आई माइट बी, आई कुड बी, इसका ये पास्ट है, इसका प्रेजेंट भी हो चुका है। देखिए तो प्रेजेंट हो चुका है, तो आप समझ लीजिए कि ये पास्ट है। अब देखिए यहाँ पर एक ये दिया है मैंने, जो सिंगुलर नंबर है ये प्लुरल नंबर, ये सब्जेक्ट फॉर्मेट सब्जेक्ट है जो कि फिक्स रहता है, जैसे कि आई वी यू यू, ये है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, बाकी यहाँ सारे थर्ड पर्सन है। तो इसके बाद दोस्तों देखिए, अब बात मैंने किया था सेंटेंस फॉर्म, इट वाज नॉट नेसेसरी टू गो ऑन माय पार्ट, यानी मुझे जाने की जरूरत नहीं था। आई शुड हैव, डांस पे भी हो गया, मुझे नाचना नहीं चाहिए था, तो ये चाहिए था वाला सेंटेंस फॉर्मेट था। उसके बाद आई बिलोंग्ड टू से हो गया है, ठीक है, और इट वाज नोन टू मी से हो गया। बचा है दोस्तों देखिए यहाँ आई वाज नोन टू और आई न्यू हाउ टू स्विम, ये अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप अच्छे से सीख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखिए सब्जेक्ट है सिंगुलर और प्लुरल का, इसको याद कर लेना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप किसी भी सेंटेंस पे जो है अपना फॉर्मेट बैठा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा सेंटेंस फॉर्मेट जो कि है आई न्यू हाउ टू स्विम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या है, आई हाउ टू स्विम जो है फिक्स है, जिसमें आप स्विम को जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, न्यू तो रहेगा ही क्योंकि पास्ट में चलता है, नो न्यू नोन करके, ये वी टू है, सिर्फ ये एक तरह से देखा जाए कि पास्ट इंडेफिनिट की तरह ये काम करेगा। इसके अलावा देखिए ये सेंटेंस जो है, ये जो सब्जेक्ट है आई, जिसे हिंदी में मैं बोलते हैं, वी हम लोग, हमें, यू तुम आप, और यू का मतलब तुम लोग आप लोग, ही वह दे वे लोग, सी वह लड़की के लिए, दे वे लोग, इट मीन्स यह, दे मीन वे लोग, दिस मीन्स यह हो जाता है, और दीज मीन्स क्या होता है दोस्तों, ये सब हो जाते हैं, ये प्लुरल है, दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे सब, दिस गर्ल ये लड़की, और दिस गर्ल्स ये सब लड़कियां। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है फिक्स मैंने बताया कुछ और भी, तो लॉन्ग वाले वीडियो में ये देखिए, इंग्लिश सीखने स्पोकन के लिए, स्पीकिंग के लिए जो है की वर्ड की तरह काम, की वीडियो की तरह काम करेगा, क्योंकि इतने सारे अगर इस पर लंबा टॉपिक आता तो कम से कम 4 से 5 पेज आपको अपने कॉपी पे लिखना पड़ता। मैं कहता कि आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लिखना चाहते हैं तो खैर दोस्तों, इस बात को याद रखिए, आई न्यू हाउ टू स्विम, यहाँ चेंज करना है,
जो चेंज करना है यहाँ करना है हिंदी में, तो अब जाहिर सी बात है तैरना बदल जाएगा, अगर जब स्विम चेंज किया तो तैरना बदल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये इंटीग्रेटिव प्रोनाउन है, ये 8 तरह के इंटीग्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये होते 8। तो देखिए 8 तरह के जो है इंटीग्रेटिव प्रोनाउन है, पहला है व्हाट है, यानी व्हाट का हिंदी होता है क्या, फिर व्हाई, फिर व्हेन, वेयर, हु, विच, हुज और हाउ, ये सारे 8 है। और जब इसका प्रयोग जो है दोस्तों 4 सेंटेंस फॉर्मेट होता है, जो कि आप देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो है 4 तरह सेंटेंस का इस्तेमाल किया करते हैं लोग, अफर्मेटिव में स्वीकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव में नकारात्मक, इंटोगेटिव में प्रश्नवाचक होता है और नेगेटिव इंटोगेटिव में प्रश्नवाचक नकारात्मक या नकारात्मक प्रश्नवाचक बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इस चारों जो चाहे चलिए ये दो रहेगा इंटोगेटिव और नेगेटिव इंटोगेटिव, दो के सेंटेंस के साथ डब्ल्यू एच को जोड़ेंगे और इस तरह डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कैसे भी देखिए दो ही तरह से बात लोग करते हैं, एक कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई भी बड़ा आदमी जब कोई प्रश्न करता है तो उसके प्रति उसके जो है उसके उसे जवाब दिया जाता है, उसे उत्तर दिया जाता है, उसे आंसर किया जाता है। तो जब तक यानी कि बात करने का ही तरीका है कि एक आदमी पूछता है तो एक आदमी जवाब देता है, ऐसा नहीं था कि एक ही आदमी बोलते रहता है, ऐसा कम ही होता है स्पीच में सिर्फ एक ही आदमी बोलते रहता है। लेकिन जब आप देखते हो कि नरेंद्र मोदी के जो हमारे प्रधानमंत्री उनके भाषण में वे जो है अपने श्रोता है उनसे बात करते हैं, जब वो भाषण देते हैं तो उनसे बुलवाते हैं कि बोलने के लिए कहते हैं, तो ऐसा कम होता है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप बोलते हैं कुछ पूछते हैं तो साथ में जवाब आता है, तो बोलना पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग ये सारे फॉर्म अफर्मेटिव फॉर्मेट जो है नेगेटिव इंटोगेटिव नेगेटिव इंटोगेटिव तो याद कर लेते हैं समझ लेते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू एच क्वेश्चन को, यानी कि जो ये 8 शब्द है वर्ड है, ये देखिए व्हाट व्हाई व्हेन वेयर हु विच हुज और हाउ, इसको डेवलप करना, इससे जो इसको लगाकर अधिक से अधिक जो है सेंटेंस को बोलना, अगर बोल पाते हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत ही अच्छा, क्योंकि कभी भी आप इंग्लिश में अपना जो है इम्पैक्ट बनना चाहते हैं, इफेक्ट छोड़ना चाहते हैं इफेक्ट, तो क्या करना होगा कि इन सारे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जोड़कर डब्ल्यू एच क्वेश्चन जोड़कर क्वेश्चन करके छोड़ दीजिए बस। और एक और बात कि इंग्लिश में कभी भी अगर आप शुरुआत के हैं जीरो सीख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि लंबे लंबे सेंटेंस बोला जाए, आजकल क्षमा करेंगे आजकल जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चल रहा है बस कि एक सेंटेंस इंग्लिश में बोले बाकी हिंदी बोल सकते हैं, ऐसे फिल्मों में भी होता है और सभी जगह होता है, उससे आपका बहुत ही प्रभाव बनता है। देखिए बात करेंगे यहाँ पर से, देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट फॉर्म सेकंड नंबर में है आई, आई यानी जो है मैं, इस पे ये अफर्मेटिव आई न्यू हाउ टू स्विम, यानी कि मैं तैरना जानता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस अफर्मेटिव इसका और अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे कैसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों देख लीजिए, आई न्यू हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता था, ये तो अफर्मेटिव हुआ। अब आई जब नेगेटिव, इसी का नेगेटिव देखिए, अब न्यू है तो ये पास्ट में था, लेकिन पास्ट का जब नेगेटिव बनता है इसका तो यहाँ डिड आ जाता है, डिड नॉट तो लगेगा ही, और न्यू जो है नो बन नो के रूप में यानी वी वन के तरह इस्तेमाल होता है, बाकी वही रहेगा हाउ टू स्विम। तो आई डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानता था। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा कि ये जो है डिड है नॉट हट जाएगा, पहले आ जाएगा तो हो जाएगा डिड आई नो हाउ टू स्विम, यानी क्या मैं तैरना जानता था, बहुत ईजी। क्या लगेगा इंट्रोगेटिव में, क्या शब्द को जोड़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। उसी के बाद देखिए इसी में इंट्रोगेटिव में यहाँ पर आई के बाद नॉट लगा देंगे जो कि यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो डिड आई नॉट नो हाउ टू स्विम, क्या मैं तैरना नहीं जानता था, देखिए कितना इजी है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये अफर्मेटिव है, आई नेगेटिव में नॉट लग गया, इंटोगेटिव में डिड पहले आ गया और नेगेटिव इंटोगेटिव में डिड और डिड है लगा पहले और उसके बाद नॉट लग गया डब्ल्यू। तो ये था आई से रिलेटेड। अब बात करेंगे यहाँ पर देखिए वी है, वी पे आते हैं, वी का हिंदी होता हम लोग, तो अफर्मेटिव इसका हो जाएगा दोस्तों। अगर अफर्मेटिव बनाते हैं तो वी न्यू हाउ टू, अब स्विम की जगह रन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं रन करते हैं,
रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। आप अपने अनुसार आप जब बोलिएगा आप जब बोलना चाहते हैं, जब बोलना चाहेंगे या लिखना चाहेंगे तो आप अपने हिसाब से जो है ये जो वर्ब है इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं दौड़ना जानता था, ठीक है, मैं दौड़ना जानता था लेकिन नहीं दौड़ा, ऐसा लोग सेंटेंस में बोल सकते हैं, कभी उनका कंडीशन कुछ आ जाएगा सिचुएशन। देखिए आई न्यू हाउ टू रन, तो हम लोग बोलेंगे वी से, वी न्यू हाउ टू रन, हम लोग दौड़ना जानते थे। वी डिड नॉट नो हाउ टू रन, हम लोग दौड़ना नहीं जानते थे। डिड वी नो हाउ टू रन, क्या हम लोग दौड़ना जानते थे। डिड वी नॉट नो हाउ टू रन, क्या हम लोग दौड़ना नहीं जानते थे। तो ये हो गया वी पर, हमने बात किया आपसे। अब देखिए यहाँ पर ही पे, यू पे बात करते हैं। यू इसका एक यू का मतलब तुम होता है, यहाँ पर प्लुरल में यू का मतलब तुम लोग और आप लोग होते हैं, तुम आप या तुम लोग आप लोग। तो देखिए यू लगा के बोलते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं, रन की जगह बोलते हैं देखिए रन की जगह बोलते हैं हम लोग दोस्तों टेल, ठीक है, टेल। तो आई यू नो हाउ टू टेल, तुम बोलना जानते थे। यू डिड नॉट नो हाउ टू टेल, तुम बोलना नहीं जानते थे। कभी कभी हिंदी बोलते क्या तुम बोलना जानते थे, तो जगह डिड यू नो हाउ टू टेल, क्या तुम बोलना नहीं जानते थे। डिड यू नॉट नो हाउ टू टेल, बहुत ईजी तरीके से इस तरह से बोलना पड़ेगा, और लिखना लिख भी सकते हैं आप अच्छे से, ताकि कोई भी जो है आपसे प्रभावित हो जाए बहुत ही तरीके से। अब देखिए इसके बाद सी पे बात करेंगे, ही पे बात करते हैं, ठीक है। ही ऐसी एक ही है, वह होता है। देखिए यहाँ पर ही लगाते हैं, ही यहाँ पर चेंज कर देते हैं टेल रन, उसके बाद देखिए यहाँ पर लाफ कर देते हैं, लाफ लाफ हो जाएगा एल यू जी एच, ठीक है, लाफ थोड़ा सा। तो देखिए आई न्यू हाउ टू लाफ, आई की जगह बी लगा देंगे, ही लगा देंगे, ही न्यू हाउ टू लाफ, यानी कि वह हंसना जानता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू लाफ, वह हंसना नहीं जानता था। डिड ही नो हाउ टू लाफ, क्या वह हंसना जानता था। डिड ही नॉट नो हाउ टू लाफ, क्या वह हंसना नहीं जानता था। तो इस तरह से जो दोस्तों ही हो जाए हो गया, आप दे हो जाएगा, वे लोग से रिलेटेड बना सकते हैं, ये सब से, वे सब से, यह से, वह से, किसी का नाम लेके आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी, बोलेंगे नरेंद्र मोदी नो न्यू नरेंद्र पीएम नरेंद्र मोदी न्यू हाउ टू स्पीच, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देना जानते थे, ठीक है। तो फिर से पीएम नरेंद्र मोदी डिड नॉट नो हाउ टू स्पीच, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भाषण देना नहीं जानते थे। डिड पीएम नरेंद्र मोदी नो हाउ टू स्पीच, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देना जानते थे, या सीधा क्या हिंदी में बात करेंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देना नहीं जानते थे, यानी कि डिड पीएम नरेंद्र मोदी नो हाउ टू स्पीच। इस तरह से जो है आप जो है सेंटेंस को खुद बोलिए, रख कर लिख लीजिए किसी कॉपी पे और बोलिए, और नहीं तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पर जो है अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को रोक कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन पे दोस्तों बात करेंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो कि आठ होता है, देखिए आठ है, व्हाट व्हाई व्हेन वेयर हु व्हिच हुज हाउ, इसको याद कर लीजिए, हिंदी क्या होता है ये भी याद कर लीजिए। अब देखिए बात करेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन पे, तो ये इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसमें डिड के पहले जो लगा देंगे, डिड के पहले इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों के पहले ये आठ जो आपको देख रहे हैं ये आठों लगा दें, और आप देखिए बोल के कि कितना इजिली जो इतने तरह से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सारे चेंज कर दीजिए, कभी आई कभी वी कभी यू यू ही सी दे, तो यहाँ पर जो है आई के जगह जो है यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो आई के जगह ये सब्जेक्ट चेंज कीजिए, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग टू चेंज कर ही सकते हैं। तो ये सारे आप ई के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, आई भी चेंज होंगे, कभी अपने बारे में आप बात करते हैं, कभी दूसरे के बारे में, कभी सामने वाले के बारे में, कभी अपने दोस्त के बारे में, कभी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी कोई हो सकता है,
बोलने वाला कोई भी हो सकता है। तो देखिए अब क्या है कि ये इंट्रोगेटिव है, देखिए इंट्रोगेटिव का पहचान है कि यहाँ से नॉट नहीं लगा हुआ, डिड पहले आ गया है, वेयर जोड़ दिए, वेयर कम हिंदी होता है दोस्तों कहाँ, तो बोलेंगे हम लोग मैं कहाँ तैरना जानता था, ठीक है मैं कहाँ तैरना जानता था, तो सिंपल हो जाएगा, वेयर जोड़ देंगे, वेयर डिड आई नो हाउ टू स्विम, वेयर डिड नो हाउ टू स्विम, मैं कहाँ तैरना जानता था। अब यहाँ देखिए मैं कब खेलना जानता था, मैं कब खेलना जानता था, तो सीधा यहाँ पर चूंकि नहीं है यहाँ, नहीं यहाँ जोड़ना होगा क्योंकि नॉट लगा हुआ इसमें, तो मैं कब खेलना नहीं जानता था ये सेंटेंस होगा होगा हिंदी में। और देखिए यहाँ डिड नॉट नो हाउ टू प्ले, ये देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड आई नॉट नो हाउ टू स्विम की जगह प्ले हो गया, तो ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। यहाँ वेन को पहले मैंने लिया है, वेन का हिंदी होता है कब, देखिए वेन डिड आई नो हाउ टू प्ले, मैं कब खेलना नहीं जानता था, ठीक है नहीं जानता था यहाँ पर है, यहाँ है मैं, यहाँ देखिए यहाँ पर नॉट छूट गया है, तो नॉट को आपके ध्यान रखेंगे, और हिंदी हो जाएगा मैं दौड़ना क्यों नहीं जानता था, मैं दौड़ना क्यों नहीं जानता था, मैं क्यों दौड़ना नहीं जानता था, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। तो हो जाएगा वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, और ये हो जाएगा दोस्तों बहुत ही सीधे तरीके से Why did I not how to run? मैं क्यों दौड़ना नहीं जानता था, मैं दौड़ना क्यों नहीं जानता था, एक ही बात है। उसी तरह देखिए यहाँ पर मैं क्या दौड़ना नहीं जानता था, इसका हिंदी व्हाट का हिंदी होता है क्या, और क्या का क्या ऐसे ही है। तो देखिए ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, डिड आई नॉट नो हाउ टू रन, क्या मैं क्या दौड़ना नहीं जानता था। ये तो सर दोस्तों जो है आई लगाकर, अभी इसको यहाँ पर ही लगा कर चेंज कर लीजिए एक बार ताकि समझ में आ जाए, और थोड़ा सा क्या होगा कि चेंज कीजिए एक्शन एक्शन या वर्ब को, यानी कि वेयर को, वेयर देखिए वेयर है, तो वेयर डिड ही नो हाउ टू स्विम, वह कहाँ तैरना जानता था, व्हेन डिड ही नॉट नो हाउ टू प्ले, वह कब खेलना नहीं जानता था, Why did he know how to run? वह दौड़ना क्यों नहीं जानता था, What did he not know how to run? वह क्या दौड़ना नहीं जानता था। तो ये हो गया ही लगाकर, यू लगाकर भी बोल सकते हैं, Where did you, अब हिंदी आप समझ, हिंदी आप कर लीजिएगा, देखिए हिंदी हिंदी अपने अनुसार सिर्फ इंग्लिश, Where did you know how to swim? Where did you नेगेटिव करते हैं, Where did you not know how to play, where did you not know how to run, where did you not know how to run, इस तरह से। इसके अलावा जो आप करना चाहते हैं कुछ भी बोल दीजिए, जैसे कि मैं कहाँ पढ़ना जानता था, मैं कहाँ पढ़ना था, where did I know how to read, मैं कहाँ बोलना जानता था, where did I know how to say या tell, मैं कहाँ बोलना जाना था। दोस्तों इस तरह के जो है ऐसी ये सेंटेंस फॉर्मेट है, और इस सेंटेंस फॉर्मेट पे जो दोस्तों कि आप आज बहुत सारे सेंटेंस आपको मैंने बताया, ठीक है, और अब आप इसके बाद आप बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों साथ साथ लाइक का बटन दबा दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लड़के लड़कियाँ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सभी को जो है शेयर कीजिए। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे क्योंकि कुछ खास और जो है मैंने बताया था लास्ट चलेगा। उसके बाद दोस्तों टेंस पे आएंगे, टेंस को कैसे बहुत ही एक ही वीडियो में अगर चाहेंगे तो आप कलेक्ट जो है अच्छे से सीख पाइएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत यूनिक तरीका से बताऊंगा बिना ग्रामर का उपयोग किए, ग्रामर शब्द को जो है इसी वीडियो में बिना कुछ रूल रेगुलेशन लिखे हुए मैं सिर्फ बताऊँगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा, टेंस अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।